स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की। जी हाँ, तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले कुलदीप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और काफी कुछ चीजें पिच को लेकर बोलते हैं, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर उनसे चीजें पूछी जाती हैं और रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर क्या स्टेटस है ये भी उनसे पूछा जाता है। एक एक करके आएंगे, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो काफी कुछ चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं और वहां पे सारे एडजस्ट करने में चीजें लगे रहते हैं। तो कुलदीप यादव कहते हैं, यार जल्दी आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पहला ही सवाल जो आता है उनके परफॉर्मेंस को लेके आता है। याद हो आपको बांग्लादेश वाली सीरीज में उन्होंने फाइफर लिया था, बल्लेबाजी से भी अच्छा किया था, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला, बिल्कुल अच्छा लगता है आप फाइफर लेते हैं और फाइव विकेट हॉल तीन बार किया हुआ है और वो ऐसे स्टैट्स अगर सामने आते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस है अच्छा लगता है, और जब आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टीम के लिए देते हो तो कहीं ना कहीं वो भी दिल को सुकून देती है। और आगे उनसे पूछा गया पिच को लेकर कि भाई यहाँ पे रैंक टर्नर होगा या फिर कैसी कुछ पिच रहेगी, तो उन्होंने बोला कि रैंक टर्नर तो नहीं होगा, जो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग को भी मदद मिलेगी और पेसर्स को भी उस तरीके से विकेट लेकर लेने का मौका मिलेगा। स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा बेटर चीजें उन्होंने बताई कि हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी पांच बॉलर खेलते हैं तो पांचों को भी विकेटें मिल सकती हैं और कभी कभार किसका दिन अच्छा होता है तो उसको ज्यादा विकेटें मिल जाती हैं। ये कुछ उन्होंने बॉलर्स के लिए पूछा। रविंद्र जडेजा पर उनसे सवाल पूछा गया, क्या तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए रविंद्र जडेजा फिट हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, ही इज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, यानी कि वो जो नेट प्रैक्टिस की प्रैक्टिस में जो अपने सेशंस होते हैं उसको उन्होंने बोला कि वो पूरी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, फिट लग रहे हैं और अवेलेबल हैं वो सिलेक्शन के लिए। यानी कि ये साफ है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में जो राजकोट में खेला जाएगा उसमें आपके रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर टेस्ट क्रिकेट की उन्होंने बात करी कि यार टेस्ट क्रिकेट में यार सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपको सेशन दर सेशन गेम जीतना पड़ता है, टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है, यही ब्यूटी है। तो उन्होंने उस तरीके से चीजों को बताया कि टेस्ट क्रिकेट में आपको हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर सेशन एक नया चैलेंज होता है, तो धीरे धीरे करके आपको मौका मिलता है कम बैक करने का। तो ये उन्होंने बोला। बाकी इंग्लैंड की बैटिंग अप्रोच पे उनसे सवाल पूछा गया कि भाई इंग्लैंड जिस तरीके से बैट्सबॉल खेल रहा है उससे क्या कुछ दिक्कत परेशानी होती है, तो उन्होंने बोला नहीं, एक क्रिकेट के लिए अच्छा है, इंग्लैंड नो डाउट अच्छा क्रिकेट खेल रही है और जिस तरीके से वो पावर हिटिंग का गेम है, अटैकिंग माइंडसेट का गेम है, क्रिकेट का गेम है, जब आप अटैक करते हो तो विकेट लेने के भी जिसे बोलें कि आपके पास प्रोविजन रहते हैं, आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, जब अटैक के लिए जाते हो तो विकेट भी वहां पे जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा है, मजा आता है गेम में और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग गेम लेके आई है तो देख के अच्छा लगता है, लेकिन बॉलर्स के लिए भी काफी कुछ हेल्प वहां पे मिलती है। तो ये कुछ चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स थी। आपको कैसी लगी कुलदीप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।